ये भी योजना है, कुछ कमियां होंगी, उमराव भी बैठी अड़ी, उन योजना ने सरकार के तौर पर तो मैं उठाऊंगा, जाके बदलाऊंगा। कहते पोर्टल को खुल लियो, 2019 में पोर्टल बंद हो गयो, आप दोबारा खुलवा दिए मेहनत करके। तो एक सांसद की जिम्मेदारी बड़े लेवल पे हो जाए, जो चीजें ने देखा कि मेरे एरिया में चीजें आ रही को नहीं आ रही। अब आप इतने बड़े क्षेत्र के लोगों ने, पर लोग ये भी चाहो हमेशा कि यो आदमी मन ने जाने कौन जाने। आज राम सिंह जी को एक लंबो सफर है, बुढ़िया ने साहब को बहुत लंबो राजनीतिक जीवन है, सरदारशहर से भी रह लिया, तारनगर में थे तो दो बार आशीर्वाद दे दी, बहुत मोकलो दे दियो आशीर्वाद, रतनगढ़ में चुनाव लड़िया। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में थार लोगों के विश्वास हो कि भी मारो आदमी है, मारी बात तो समझेगो। अब कुछ लोग यह चाहे है कि या जो सोच है राजनीति है बदली जा, ईसार लोग लेके आओ तो उनको जाने ही ना। आज माने 30 साल हो गया जो 340 किलोमीटर को सफर है, एन धीरे 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 करके जोड़ गए है, कदे क्या के सुख में पहुंचा, कदे क्या दुख में पहुंचा, कदे बुजुर्ग दादो गुजर के थोड़े बैठन गया, मैं नहीं तो राम सिंह जी गया, राम सिंह जी कमला जी चला गया, कदे दसोटर में पोतो हो गए तो मैं दसोटर में आया। ऐसे ही हर घर की स्थिति है, ऐसे ही उन सभी नेताओं के, ऐसे बुराने साहब भी कर रहे हैं, संजय भी कर रहा है, निर्मल भी कर रहा है, अमित भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं हम। क्योंकि एक लोग मैं चाहूंगा कि मैं सब कुछ फैला के मारा को 12 हाथों हाथ को नहीं पहुंच जाऊंगा, मैं मारकर हेलीकॉप्टर भी को नहीं फैला देता हूं, उड़ जाऊंगा। पर यह टाइम लग गए, टाइम ने रिश्ता ने बनाने में 33 साल लग गया बनावा। अब एक सोच यह है कि अपन ऐसा आदमी चाहिए पूरी समाज में से, इस टाइप का नेतृत्व का जो लोग हैं इन्होंने पहले बाहर काटो। अब ये लड़ाई है बात की है और छेड़ी है काके के द्वारा, काके को होगी खाज और होगी चौदह के अंदर, डॉक्टर के भी लेके दो तीन बार आदमी सारा घर का ले गया, पार्टी वाला भी ले गया, खाज है गणेश जी बताओ हाथ को नहीं, खाज पक्की है, और खाज होते के साथ ही मेरे नाम लगाओ लो। अब चौदह में तुम्हें थोड़ी कोई राजनीति में, उससे पहले मैं नौ में भी कौन था, और काके के इतना भारी वजन सब बैठे अपन वजन हल्को करना पड़ो। एक बार काको ये क्या है कि चूरू जिले में नहीं शेखावटी बेल्ट में कोई नेता बने हो तो नहीं तो बनायो, मेरे तो बड़ी खुश क्या, मेरी मूर्ति तो मेरी फोटो लगा के तो विधायक चूरू को बन गए हो, इसका विधायक बन गए हो, मतलब कि मारे बहन पाल रखी की जनता बनाओ है, का क्या बहन पाली मैं बनाऊ, तो ये वजन तो अगर कम करो का फिक्र को तो हाथ पर मारी साधना, क्योंकि ये नेता मार नेता ही है। मैं हिंदू कौन तो धन है कि लिस्ट लंबी है, हरिशंकर बाबड़ा जी का जो कैरियर ऊपर उठता जा रहा था, इतने बड़े समाज के नेता थे वो, एक समाज को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी जो काबिलियत थी उनकी जो प्रशंसा, लोग बड़ा जी मेरे पास सहमत होंगे, जिस तरीके का उनका रुतबा था, कोई भी आदमी उनका के चू नहीं कितना, सर्व समाज के लोग बैठते थे और वो हमेशा न्याय करने वाले लोगों से गिनती होती थी। मेरे पिताजी के साथ उनका लंबा सफर रहा है, उनके कैरियर को चौपट करने का काम किया, नेता मार नेता ने किया है। कदे मैं कितु नाम को नहीं तो उन्होंने मारा लोगों को प्रेशर पड़ जाओ भरना मत ले दिया। मैं तारे बता दी, आस पास का जितना भी उभरता हुआ चेहरा था, हमारे एक मेघवाल जी हमारे बड़े सुजानगढ़ में, मर्जी आई उन्होंने टिकट कटवाई, मर्जी आई टिकट दिलवाई, सरदार सर की आदत करी, नाम को लोगों से समझदार सर समझ चाहिए, वरना आजकल चुनाव का टाइम चल रहे हैं। रात के लास्ट के दो दिन में नौ किसी पे किए हुए हो, और आज से को नहीं, सालों साल की कहानी है। एक आदमी बीमारी खाज की होगी, एक लोड ले ली सिर के ऊपर कि मैं सबकी मना लग रही हूं, आपने आदमी का एहसान करनो पड़सी, आपने फ्री करनो पड़सी, फ्री कर दो सी जब 19 तारीख में थे वोट दे सो जब तो फ्री हो जा सी। या के बहम पाल लियो भाई, तू के बहम पाल लियो, यो प्रजातंत्र है, मैं थारी आवाज चल रहा है, मैं तो थारे आगे नतमस्तक क्यों हुआ, कहीं गलती न हो जा, आगे बुरो न मान जा,
क्यों यू ही डर तो मारे जिंदो रखे है डरने दादू का गले बच्चे के है दाम लोग ही बोले हरे यार थारे गांव में क्यों आऊंगो अरे थारे वोट को थारे से हक ले लियो जा तो थारे गांव में कोई आवे थे मंदबा दे तो के मारे परे मारे क्यों चिंता रहे कि फोन उठाओ एक मिनट में काम कराओ एक बीमार हो गए तो लड़के आज दिल्ली में कोई आ जा ऑल इंडिया मेडिकल बीमार हो गया मैं मेरे पीएम भेज दो बड़े साथ में मेरे गांव को आदमी चाल के ऐड हो मारे थारे बीच में क्या चीज को तालमेल है कि थारी आवाज बन के नेतृत्व खड़े हो गए थे मारे पर प्रेशर थारो थारो व्यवहार मारो व्यवहार थारे पर कितनो काम करे थारी वोट की ताकत है जैसे मारे मन में डर है और थे डर नहीं हटा दोगा तो गले बच्चे के प्रजातंत्र में खाली आप खाली आना चाहिए ये लोगों की सोच है इस डर को खत्म करने की ऐसे लोगों को लेके आने की इस बार तो अपने एक खिलाड़ी भाई साहब आए हैं वही मेरी प्यारी प्यारी बात करे मैं गीत तो काके की पर्ची ना पढ़ लिए काके की पर्ची पढ़ते नाश हो वो क्यों पर्ची नजर में और वो पढ़ क्या है अब क्या कि मैं गरीब हूं यार क्यों क्या तू गरीब है भाजपा क्या कि 11 करोड़ आदमी ने गरीबी बाहर काट दिया मैं 10 साल में उम्मीदवार क्या कि मैं गरीब हूं अब मानना क्या कि मैंने थे बताया या और के 1960 को आप रेडियो बजाने लग रहे हैं कि मैं गरीब हूं ना मैं गरीब को नहीं ना मारे गरीब बनो माने मारे छोरा ने पढ़ानो लिखानो सब ने आगे बढ़ानो आज हमारे गांव में खुशी हुए कि कच्चा मकान को दिखे बच्चा अपनी मेहनत से कमाई करके नौकरी लगन लग रहे हैं बच्चा आपकी मेहनत से आज देश के अलग अलग कोने में व्यापार करने लग रहे हैं 2 रुपया कमा के बढ़िया पक्को मकान बना रहे हैं क्यों रहा मैं गरीब मारे के मजबूर है भाई देखे तो बेचो मकान तोड़ के माटी का मकान मथोरा बना लगे गरीब हूं बोल दे तो अरे भाई जी तेरा कौन बोलते बढ़िया 8 करोड़ से गरीब बताओ यार क्यों बोल रहे ऐसी बात क्यों क्योंकि 1960 को एक और ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है क्योंकि जनता ने आपा कतरा भ्रमित कर दिया जनता ने आपा कतरा गोल गोल घुमा ला किसान का बेटा हाँ भाई है चूरू लोकसभा में 36 कौम की लोग बैठे हैं 90% किसान नहीं करें कौन करेंगे अरे के फैक्ट्री चाल पढ़ ली जो किसान किसानी कर रहा है अपने बच्चों को पढ़ा रहा है किस ख्वाब से पढ़ा रहा है कि मेरे बेटो भी एक दिन नौकरी लग गए तो मेरे बेटो भी एक दिन पक्को मकान बनाओ मेरे बेटो भी व्यापार करेगो हर किसान का बेटा घर से बाहर निकले कुछ न कुछ बन रहा है कितनी तरक्की हुई है इन सालों के अंदर कितने अच्छे मकान हमारे साथ तारनगर में हमारे गांव के बच्चे पढ़ पढ़ के आज टीचर लग गए पुलिस में गए कोई आरएएस बन गया कोई आर्मी में गया है उस सारा ध्यान खा देंगे कोई किसान का बेटा आज निकले बाहर किसी किसान का बेटा एक पीढ़ी पहले निकल गया किसी किसान का बेटा 2 पीढ़ी पहले निकल गया आया सब अपना हिसाब से यहाँ कुछ किसान के बच्चे आगे निकलेंगे छोटे छोटे बच्चे नहीं कौन सी 25 में आरएएस बन जाएगी शिक्षा पहुंची गांव में पहले लोग जाया करते थे 5-5 10 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाया करते थे अकेली शिक्षा ने क्या हालत कर दी हमारी क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अधिकतर बच्चे हैं तो हमारे राजस्थान के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे हमारे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं क्यों नहीं कामयाब होंगे हम कौन रोक रहा है हमको कोई रोक नहीं रहा हमें वो आदमी चाहिए जो उनके आगे बढ़ाए उनकी शिक्षा के अंदर मदद करे उनके बच्चों खेलने का प्रोग्राम बनाए ऐसी व्यवस्था बनाए जहां पे बच्चे आगे बढ़ सके हमें वो नेतृत्व चाहिए क्या ये देश को बड़ी बात लेकर मैं बैठ गए क्या एजेंडा लेके बैठे हुए कि मैं गरीब हूं लेकिन 4 अवार्ड है एक बात और क्या चमत्कारी बात में सुनी कुछ नहीं हंसते क्या मैं तो 4 अवार्ड ले आयो राहुल के समय तो चम्मच ही को नहीं आयो अब है तथ्य का पता चल रहा बुराने साहब मैं तो आज हार्दिक पार्टी में आ रही हूं कांग्रेस में तो मेरी बात तो खत्म होगी अपना तो चक्कर को नहीं हो चमच आलू को अब बीजेपी के अंदर 543 एमपी यहां टिकट मिल रही है और मैंने तो पक्को जब तक विश्वास है निर्मल जी बाइडे एक लेकिन 4 अवार्ड है बाकी 7 चम्मच आता है बीजेपी में क्या करते क्या अवार्ड बोली है पूरे बीजेपी में अवार्ड लेके बताओ मैंने बीजेपी में सारा का सारा क्योंकि काका लिख के दे दी पर्ची कि चम्मच वाली बात बोल दी बोल दी पड़ गई तो मैं थाने सारा में एक बात कहूं ये जो ये लोग हैं
ये उठते हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति काम कर रहा है, और इनकी खुद की राजनीति आप देखोगे ना, चूरू के अंदर आज तक कोई विकास को नहीं, ये चूरू में चालो पूरो पंखों तो पामाटी में गंदगी भर रहा है, गाद सर की गिनानी हर बरसात में बहुत संजय को टूटे गए, पूरे इन 33 साल के विधायक के पद में एक पुल बनायो उन तोड़ना पड़ेगा, अपन एक ही पुल बनाए शेर और तोड़ना पड़ेगा, और तुम लोगे मदद क्या नहीं होंगे, काम तो करना को नहीं बस ना साधन बंद करना पड़ गया, वो इंजीनियर नाट गया पर कभी ढहस गए हो, वो तो ढह को नहीं पक्का, को 19 तारीख में पक्की ढह जाए वो, और कारण एक ही बात कहना है, मैं एक मजबूत कदम मेरे जीवन में आगे बढ़ाए है, सारे लोगों को साथ मांगना आया हूँ, 36 कौम को साथ मांगना आया हूँ, ये आने वाले बच्चों के भविष्य का चुनाव है, एंड भाईचारे बिगाड़िए ना, ये थारे इसमें पक्को गाले ना आने वाले 10 दिन के अंदर, समाज ने तोड़े ना ये भाई भाई ने लड़ाऊंगा, जाके हम बात की कोशिश पूरी करेगा, के चेतो राखियो 19 आ जान दो, काके की खाद मिटा देंगे आप सारा जाना, लेकिन सारा बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।